हाय फ्रेंड्स, संधि प्रकरण के अंतर्गत हम अच संधि पढ़ चुके हैं। हम हल संधि पढ़ रहे हैं। हल संधि का प्रथम सूत्र स्तोश्चूनश्चुः, जो कि श्चुत्व का विधान करता है, को हम पढ़ चुके हैं। आज इसी क्रम में हम हमारे सूत्र नंबर 2 श्चुत्व का विधान करने वाले स्तोश्चूनश्चुः सूत्र को पढ़ रहे हैं। स्तोश्चूनश्चुः स्तः स्तोना योगे श्चुत्वं स्यात्। बच्चों, संस्कृत बहुत आसान है यदि एक निश्चित क्रम में पढ़ी जाए। बच्चों, सकार तथा तवर्ग का शकार तथा टवर्ग के साथ योग होने पर सकार तथा तवर्ग बराबर शकार तथा टवर्ग आदेश हो जाता है। तो यहां अनुवृत्ति स्तः की है। हम समीकरण समझ लेते हैं। बच्चों, से या तवर्ग के परे शे या टवर्ग होने पर से तवर्ग बराबर शे टवर्ग आदेश हो जाता है। समीकरण नंबर 2, शे तथा टवर्ग जमा से तथा तवर्ग, तो से तथा तवर्ग बराबर शे तथा टवर्ग आदेश हो जाता है। ये हमारा मूर्धन्य शकार है। बच्चों, संधि दोनों तरफ हो रही है। अब हम देख लेते हैं से तथा तवर्ग के स्थान पर शे तथा टवर्ग में क्या क्या आदेश होते हैं। जैसे स त थ द ध न, ये हमारे स्थानी है। श ट ठ ड ढ ण, ये हमारे आदेश हैं। अब आपको ये तो पता चल ही गया है कि यथा संख्यम अनुदेश है, समानाम एक सूत्र आता है जो कहता है कि स्थानी तथा आदेश की संख्या समान होने पर आदेश भी क्रमानुसार होते हैं। हमारे 1 2 3 4 5 6 स्थानी है तथा 1 2 3 4 5 6 आदेश हैं। तो हमारे जो आदेश होंगे वो स्थानी तथा आदेश में क्रमशः होंगे। हमारे स्थानी है स त थ द ध न, और आदेश है श ट ठ ड ढ ण। तो हमारे आदेश किस प्रकार होंगे? स बराबर श, त बराबर ट, थ बराबर ठ, द बराबर ड, ध बराबर ढ तथा न बराबर ण, ये हमारे आदेश हैं। याद रखो बच्चों, यथा संख्यम अनुदेश है समानाम सूत्र केवल स्थानी तथा आदेश की संख्या सम होने पर आदेश के समय ही कार्य करता है, परंतु यह नियम योग के समय कार्य नहीं करता। जैसे सह के परे शह होने पर ही शह आदेश होगा, ऐसा नहीं है। टह के परे टह होने पर ही टह आदेश होगा, ऐसा भी नहीं है। थ के परे ठह होने पर ही ठ आदेश होगा, ऐसा नहीं है। योग सकार का शकार या टवर्ग के साथ किसी से भी हो सकता है तथा तवर्ग का शकार या टवर्ग किसी के साथ भी हो सकता है। इसे अब हम उदाहरण से समझते हैं। बच्चों, जैसे रामस धन षष्ठः, रामस, ये स कहां से आया? बच्चों, राम शब्द से प्रथमा विभक्ति में प्रत्यय करने पर सु प्रत्यय होता है। सु को स आदेश तथा स को रुत्व आदेश और रुत्व को र और र को विसर्ग।
इस प्रकार यह राम है बनता है। लेकिन एक सूत्र आता है जो कि विसर्ग संधि का सूत्र है, विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीयस्य सह सूत्र कहता है बच्चों, विसर्ग के परे खर प्रत्याहार हो तो विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाता है। ये सह विसर्जनीयस्य सह सूत्र से आया है। रामस धन षष्ठः, प्रस्तुत उदाहरण में सकार के परे शकार विद्यमान है, अतः ष्टोना ष्टोः सूत्र से सकार बराबर शकार आदेश हुआ, संधि सिद्ध हुई रामस षष्ठः। एक बार इसको फिर समझ लेते हैं। रामस धन षष्ठः, सकार के परे शकार विद्यमान है, अतः सकार बराबर शकार आदेश हुआ, संधि सिद्ध हुई रामस षष्ठः। तत् धन टीका, बच्चों यहां पर हमें पहले झलाम जशोन्ते सूत्र की सहायता लेनी होगी। झलाम जशोन्ते सूत्र कहता है पदांत झल बराबर जश आदेश हो जाता है। झल प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों सकार तथा है आते हैं। जश में प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, तो हमारा तय जो है ये झल है, अतः इसे जश यानी इसी के वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हुआ। को चो टो तो पो, प्रत्येक पांच वर्ग में पांच पांच वर्ण होते हैं, उन्हीं का यह तीसरा वर्ण है। हमारी स्थिति बनी तद धन टीका, ष्टोना ष्टोः सूत्र कार्य कर रहा है। सकार या तवर्ग के पीछे या पूर्व में शकार या टवर्ग होने पर सकार तथा तवर्ग के स्थान पर शकार तथा टवर्ग आदेश हो जाता है। यहाँ तवर्ग के परे टवर्ग विद्यमान है, अतः तवर्ग बराबर टवर्ग आदेश हुआ। दे तवर्ग का तीसरा वर्ण है, आदेश होगा यह भी तीसरा वर्ण होगा, दे बराबर दे आदेश। स्थिति बनी तड धन टीका। अब बच्चों एक सूत्र आता है खरीचे। खरीचे सूत्र कहता है झल के परे खर होने पर झल बराबर चर आदेश हो जाते हैं। झल में वही वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों सकार तथा है। खर में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीनों सकार। चर में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण तथा तीनों सकार। प्रस्तुत उदाहरण में डे जो कि झल है, इसके परे खर प्रत्याहार का टे विद्यमान है, अतः झल बराबर चर अर्थात टे आदेश हुआ। स्थिति बनी तट धन टीका। संधि करने पर शब्द सिद्ध हुआ तट टीका। इसे बच्चों एक बार फिर समझ लीजिए, तट धन टीका झलाम जशोन्ते सूत्र से तय को दयादेश हुआ, स्थिति बनी तद टीका। ष्टोना ष्टोः सूत्र से दय बराबर डय आदेश हुआ, स्थिति बनी तड धन टीका। खरीचे सूत्र से डय बराबर टय आदेश हुआ, संधि सिद्ध हुई तट टीका। उद्धन दीनः, प्रस्तुत उदाहरण में
द तवर्ग का है तथा इसके परे बै टवर्ग का है, अतः तवर्ग बराबर टवर्ग आदेश हुआ, स्थिति बनी उड्डीनः। संधि करने पर शब्द सिद्ध हुआ उड्डीनः। बच्चों आसान है ना, संधि बहुत आसान है, केवल समझना है। इसी प्रकार थ को ठ आदेश होगा, द को ड, ध को ढ, न को ण। चक्रिन ढोकसे, न तवर्ग का, टवर्ग का ढ विद्यमान है, न बराबर ण आदेश हुआ, संधि सिद्ध हुई चक्रं ढोकसे। तुष्धन्तः, यहां संधि पीछे हो रही है, शकार के परे तवर्ग, तवर्ग बराबर टवर्ग आदेश, श जमा तह, तह बराबर टह आदेश हुआ, संधि सिद्ध हुई तुष्टः। इसी प्रकार पुष्टः, पेष्टा, दुष्टः, कृष्टः, कृष्धन्नः, कृष्णः। ये हमारा ष्टुना ष्टुः सूत्र है जो कहता है सकार या तवर्ग के परे या सकार या तवर्ग के पहले शकार या टवर्ग होने पर सकार तथा तवर्ग के स्थान पर शकार तथा टवर्ग आदेश हो जाता है। विधायक सूत्र ष्टुना ष्टुः सूत्र के अंतर्गत अन्य जो निषेध सूत्र है या अन्य जो सूत्र है उन्हें हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। थैंक यू।